मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा था कि आप जब भी वोट करें एक पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट करें, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया मैंने। जो मैंने कहा मैंने ठीक कहा, और वो मेरी एक जनरल स्टेटमेंट थी टू माय ऑल स्टूडेंट्स। याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ और वो वीडियो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी अन एकेडमी में पढ़ाने वाले टीचर करण सांगवान का है। वो इस वीडियो में पढ़े लिखे नेताओं को वोट करने की बात कहते नजर आते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें अन एकेडमी से निकाल दिया जाता है। हम करण सांगवान से ही जानने की कोशिश करते हैं कि वीडियो कब का है, उनकी नौकरी क्यों गई और वीडियो में वो किन बातों का जिक्र करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्विंट हिंदी में। हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। आपका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो वीडियो कब का है, वीडियो में आप क्या कहना चाह रहे हैं और जिस वीडियो का छोटा क्लिप वायरल हो रहा है उस पूरे वीडियो में आप क्या कह रहे थे? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझसे आपने मुझे अपना पक्ष रखने के लिए आपने मुझे कनेक्ट किया। सर वो वीडियो बेसिकली मेरा वीडियो था, मेरे यूट्यूब चैनल पे था। सर मेरा यूट्यूब चैनल है लीगल पाठशाला, उसी के ऊपर मैं वो सेशन ले रहा था। जो नए क्रिमिनल बिल्स आए हैं उनके रिगार्डिंग मैं स्टूडेंट के साथ डिस्कशन कर रहा था कुछ, और जैसे ही वो डिस्कशन सम अप हुआ, एज ए जनरल स्टेटमेंट, एज ए टीचर मेरा एक राइट और एक जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपने बच्चों को एक राइट डायरेक्शन दिखाऊं। उसी डायरेक्शन के कंटेक्स्ट में मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि आप जब भी वोट करें पढ़े लिखे एक व्यक्ति को वोट करें, सो डेट आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो एक सुरक्षित हाथों में रहे। सो बेसिकली इस वीडियो को इतना ही क्लिप जो है वायरल किया गया, इस वीडियो को लोगों ने अपने अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड किया, जो उनकी समझ थी जैसा वो समझ पाए, जो जो उनको समझ में आया वैसे वैसे वो इस वीडियो को ट्रोल करते गए, ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग चलाते गए। किसी ने मुझे गलत समझा, किसी ने मेरे सपोर्ट में बातें की, किसी ने मुझे कहा कि ये पॉलिटिकल प्रोपोगंडा चला रहा है, बट मेरी इंटेंट उस स्टेटमेंट के पीछे कोई ऐसी इंटेंट नहीं थी, ना ही कोई वो व्यक्ति विशेष वीडियो थी, ना ही किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के रिलेटिंग वो वीडियो थी। वो एक जनरल स्टेटमेंट थी जो एक टीचर होने के नाते मैंने अपने जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उनको एक मैं राइट डायरेक्शन दे सकूं, उस कंटेक्स्ट में मैंने वो जो स्टेटमेंट दी थी वो उस कंटेक्स्ट में दी थी, और उसका पूरी स्टेटमेंट का किसी क्रिमिनल बिल से कोई लेना देना नहीं है। दैट इज ओनली ए जनरल स्टेटमेंट टू माई स्टूडेंट्स ओनली। ओके, आपको कब पता चला कि आपका ये वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे? ये 13 अगस्त की बात है जब मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ही अपनी प्लस की क्लास ले रहा था। 11:30 11:12 बजे पास कॉल आया 13 अगस्त को अनअकैडमी की टीम से, बट मैं क्लास ले रहा था इसलिए मैंने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया, कॉल कट कर दी। फिर उनका मैसेज आया कि सर इट्स वेरी अर्जेंट, तो मैंने उनको बैक कॉल किया। तब उन्होंने मुझे बताया कि सर आपका एक वीडियो बहुत ज्यादा एक्सक्लेट हो रहा है, ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग जा रहा है, तो आप उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। फिर मैंने उस वीडियो को एक टाइम के बाद वहां से रिमूव कर दिया, बिकॉज मुझे अनअकैडमी ने कहा था और मैं अनअकैडमी के साथ जुड़ा हुआ था। तो एज ए टीचर, एज ए रिस्पॉन्सिबल टीचर, मैंने अनअकैडमी का साथ दिया उस चीज में कि ठीक है आप लोग कह रहे हो मैं वीडियो को डिलीट कर देता हूँ, नॉट एन इशू। ओके, तो वीडियो आपने अनएकेडमी के चैनल पर नहीं, अपने चैनल पर नहीं उसको सर, अपलोड किया मेरे था? चैनल पे वीडियो थी, लीगल पाठशाला नाम है चैनल का, नाउ दैट चैनल इज रीनेम्ड एज करण सांगवान, लीगल ओके पाठशाला करण सांगवान, उस ओके चैनल के ऊपर वो वीडियो थी सर, मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पे वीडियो थी, अनअकैडमी का कोई प्लेटफॉर्म मैंने यूज नहीं किया है। आपको कैसे पता चला कि नौकरी से निकाल दिया गया है? अनएकेडमी की तरफ से कोई लेटर मिला या ईमेल आपको इन्फॉर्म किया गया? नौकरी से निकालते वक्त आपसे क्या बात हुई अनएकेडमी से? अनअकैडमी की ईमेल आई थी सर मेरे पास, उन्होंने कहा कि आपने अनअकैडमी की टी शर्ट डाल के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो कि पॉलिटिकल इन इट्स नेचर है, और इसी वजह से हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है। बट उन्होंने ये कुछ नहीं बताया कि पॉलिटिकल इन नेचर एक्चुअल में होता क्या है, कौन से स्टेटमेंट को आप पॉलिटिकल इन नेचर बोलेंगे, क्या एक जनरल स्टेटमेंट को भी पॉलिटिकल इन नेचर ट्रीट किया जाएगा। सो मुझे सर 17 अगस्त, आई थिंक आज की बात है, नहीं कल की बात है सर, कल मेरे पास मेल आई उनकी, उसमें लिखा हुआ था कि यू आर इमीडिएटली टर्मिनेटेड फ्रॉम अनअकैडमी। अनअकैडमी ने कहा है कि हम एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो क्वालिटी एजुकेशन मुहैया कराने के लिए कमिटेड है, इसी लेकर हमने हमारे टीचर्स के लिए एक सख्त कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया है ताकि स्टूडेंट्स को निष्पक्ष ज्ञान मिल सके। क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं थी? अगर थी तो आपने ऐसा क्यों किया? सर मुझे उस बात की जानकारी थी,
और एग्रीमेंट में लिखा भी हुआ है, लेकिन वो बात जो मैंने बोली है वो बात पॉलिटिकल इन नेचर नहीं है, और ना ही मैंने अनएकेडमी के प्लेटफॉर्म पे वो बात बोली है। मैंने वो बात एज ए जर्नल स्टेटमेंट दी है, और एज ए शिक्षक होने के नाते, टीचर होने के नाते, मेरा फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि मैं अपने बच्चों को एक राइट डायरेक्शन में ले जा सकूं। क्योंकि जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ता था तो मेरे टीचर ही सिखाया था सब्जेक्ट पढ़ो, वो भी है एजुकेशन का पार्ट, लेकिन सब्जेक्ट के साथ साथ सामाजिक ज्ञान आपको होना चाहिए, समाज में उठना बैठना आपको पता होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है इस चीज का आपको पता होना चाहिए। तो उस कंटेक्स्ट में मैंने वो बात बोली, बट अनएकेडमी को लगा कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। आई थिंक एक मिस आप कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उन्होंने उस चीज को गलत समझ लिया, और वो भी क्या कर सकते हैं बेचारे, वो भी मजबूर थे क्योंकि ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी, और एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कहीं ना कहीं आपको पता है दबाव बन जाता है। तो दिस इज द रीजन कि मैं कॉन्ट्रोवर्सी में आया और आज मुझे टर्मिनेट कर दिया गया। आपने बताया कि वीडियो में आप किसी स्पेसिफिक नेता की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आपने बीजेपी नेताओं को निशाने पर लिया है, क्योंकि शहरों और स्थानों के नाम इसी सरकार में बदले जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? सर, नेता तो मैंने बोला ही नहीं अपनी स्टेटमेंट में, मेरी स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, मैंने नेता वर्ड ही यूज नहीं किया है। ये लोगों ने गलत मिस इंटरप्रेट किया है, गलत अपने अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग बिठाई है, जो उनको उचित लगा अपने हिसाब से उन्होंने वो फ्लोट किया है। अब मेरी वीडियो देख लीजिए, मैंने कहीं नेता का नेता वर्ड ही यूज नहीं किया मैंने सर। आपने कहा है कि ऐसे लोगों को वोट करो जो पढ़े लिखे हों, हाँ तो जी, वोट उन्हीं को किया जाता है जो नेता होते हैं, तो इस वजह से सवाल लोग उठा रहे हैं। नहीं सर, वोट उन्हीं को क्यों किया जाता है नेता होते हैं, नेता कौन होता है सर, एक आम आदमी भी तो नेता होता है, कोई भी हो सकता है सर नेता, जरूरी नहीं है नेता नेता ही होता है, एक नॉर्मल पर्सन भी तो नॉर्मल पर्सन ही नेता बनता है ना सर। तो ये गलत इंटरप्रिटेशन मत कीजिए कि मैंने नेता नहीं बोला है। आपका जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आपने जो बातें कही हैं, लोगों से जो अपील आपने की है, क्या उस पर आप अभी कायम हैं या नहीं? सर मैंने जो लोगों से अपील कही है, लोगों से नहीं, मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा था कि आप जब भी वोट करें एक पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट करें, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया मैंने, और मैं आज भी उस बात पे अमल करता हूँ, आज भी मैं उस बात पे कायम हूँ कि जो मैंने कहा मैंने ठीक कहा, और वो मेरी एक जर्नल स्टेटमेंट थी टू माई ऑल स्टूडेंट्स, जिनको मैं एक राइट डायरेक्शन दिखाना चाहता था। इट्स अप टू ए स्टूडेंट, वो उस चीज को जिस हिसाब से समझना चाहते हैं उस हिसाब से समझ सकते हैं, बट एक टीचर का एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चे को एक संपूर्ण शिक्षा दे। संपूर्ण शिक्षा ये नहीं होती है कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ाएं, उसके अलावा भी सामाजिक ज्ञान सारी चीजें आपको देनी पड़ती हैं। तो उसी रेफरेंस में मैंने अपने बच्चों को बोला था, क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चों का हमेशा भला हो, किसी मेरे स्टूडेंट का नुकसान ना हो, इसलिए मैंने वो बात बोली और आज मैं उस बात पे कायम हूँ सर। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने अपने चैनल के लिए ऐसा किया क्योंकि आपने ये सोचा कि विवादों में आकर चैनल को फायदा हो जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कई लोग सोशल मीडिया पर ये बोल रहे हैं। सर देखिए, जो बोल रहा है उसको तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, ठीक है, और मैं बहुत वेल स्टेब्लिश हूँ, ठीक है सर। मेरे जितने भी पुराने वीडियोस हैं उन पे कमेंट देख लीजिएगा, हर एक स्टूडेंट बहुत सेटिस्फाइड है मुझसे पढ़ के। अगर कोई बच्चा मुझसे एक सब्जेक्ट पढ़ता है तो वो चाहता है कि करण सर आप सारे सब्जेक्ट मुझे पढ़ाइए। अनअकैडमी पे 2021 में जुड़ा था सर, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एक सब्जेक्ट पढ़ाया, वो आज कहते हैं कि सर सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं लोके आप ही से पढ़ने हैं सर। So, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ये चाहता था, मेरे YouTube चैनल पे अच्छे सब्सक्राइबर थे सर, 45,000 थे इस वीडियो से पहले, और मैं बहुत अच्छा कर रहा था। मैंने ये कुछ भी मतलब कह देने से, या वो कहते हैं ना सोशल मीडिया के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, जिसका जो मन कर रहा है वो बोल सकता है, बोलते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर उस चीज पे। क्या लीगल पाठशाला के अलावा भी आपका यूट्यूब चैनल है, और लीगल पाठशाला आपने कब शुरू किया था? नहीं सर, मेरा एक ही चैनल है लीगल पाठशाला, और वो आई थिंक डेट मुझे याद नहीं है, शायद मैंने अक्टूबर 2013 या 14 में स्टार्ट किया था सर, और वो चैनल मैंने मजाक मजाक में स्टार्ट किया था। पहली वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें हम चार पांच दोस्त हैं किसी बाइक के ऊपर बैठे हुए हैं, उसके बाद धीरे धीरे मैंने उस पर एजुकेशनल वीडियो डालने स्टार्ट की। तो मेरा चैनल बहुत पुराना है सर, अनअकैडमी पे तो मैं बाद में जुड़ा हूँ, मैं पहले से स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल से पढ़ा रहा था, और आगे भी मैं पढ़ाता रहूंगा अपने YouTube चैनल से सर। आप अनएकेडमी से काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, कुछ सालों से जुड़े हुए हैं, तो जी और आप साथ में अपना भी साइड में यूट्यूब चैनल चला रहे थे, तो क्या अनएकेडमी ने इस पर कभी कोई आपत्ति नहीं जताई? नहीं सर, अनअकैडमी ने तो मेरे साथ इस चीज को लेके इंटीग्रेशन कर रखा था। अनअकैडमी हर महीने मुझे उस मेरे YouTube चैनल पे अनअकैडमी को प्रमोट करने के लिए पैसे भी देता था,
हर वीडियो में मैं अपने सब्सक्राइबर को कहता हूँ लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें। वहाँ अकेडमी ने अपने कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज किया है सर, फॉर द टाइम बिंग।